वर्षा जल एक अनमोल प्राकृतिक उपहार है जो प्रतिवर्ष हमें बिना किसी भेदभाव के मिलता रहता है, परंतु समुचित प्रबंधन के अभाव में वर्षा जल व्यर्थ में बहता हुआ नालों में मिल जाता है और किसी के काम नहीं आता। अतः वर्तमान जल संकट को दूर करने के लिए वर्षा जल संचय ही एकमात्र विकल्प है। कुछ दशक पूर्व लोग ये मानते थे कि पानी के भंडार असीमित हैं और हमें किसी न किसी तरीके से मनचाहा पानी हमेशा मिलता रहेगा, परंतु पानी के लगातार दोहन से भूजल भंडार भी खाली हो गए और भूजल स्तर निरंतर नीचे खिसकता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो जल्दी ही धरती भूगर्भीय जल भंडारों से खाली हो जाएगी। अतः अब समय आ गया है कि हम जितना पानी धरती से लेते हैं उतना ही पानी धरती को किसी न किसी रूप में लौटाएं, और ये सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही संभव है। मार नाम ओमकम रे, गांव का नाम गोड़िया से, और हमारे लिए पानी की बहुत समस्या थी, इसलिए हम सुल्या से पानी लेते थे, मटका से बहुत दुख पाते थे पानी के। अब ये होद बनाए थे जब मैडम जी से संपर्क हुए थे, जब होद बरसात का पानी आता है। हमारा दायित्व है कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं, उसे बेकार न जाने दें। इससे हमारे जल भंडार भरेंगे और जल स्तर भी ऊपर पहुंच जाएगा। आज उत्तम गुणवत्ता वाले पानी की कमी चिंता का कारण बनी हुई है। यद्यपि शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला वर्षा जल शीघ्र ही बह जाता है, परंतु यदि इसे एकत्र किया जाए तो जल संकट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वर्तमान जल संकट को देखते हुए यही एकमात्र विकल्प बचा है जिसके द्वारा हम जल संकट का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, सतह जल पुनर्भरण संरचना। रास्तों में नालियों से बारिश का पानी बहकर चला जाता है, साथ ही मिट्टी भी कटकर पानी के बहाव के साथ बह जाती है। खेतों में बहने वाले पानी, रास्तों नालियों में बहने वाले पानी को हम पुनर्भरण संरचना का निर्माण कर कुआं या पुरानी बोरवेल के द्वारा जमीन में उतार सकते हैं, जिससे कि आसपास के भूमिगत जल स्रोतों का पानी का लेवल और गुणवत्ता बढ़ जाती है। सतह जल संग्रहण एवं संरचना के लाभ। अधिकाधिक प्राकृतिक जल को जमीन के अंदर पहुंचाकर प्रतिदिन में इस्तेमाल होने वाले स्वच्छ पीने योग्य पानी की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, पानी की गुणवत्ता बढ़ेगी और भविष्य के लिए पानी संग्रहित होगा। तीसरा, बंद बेकार पड़े कुएं चालू हो सकते हैं। चौथा, बंद पड़े या चालू नलकूप यानी कि हैंडपंप में जल स्तर बढ़ता है। सामुदायिक जल पुनर्भरण संरचना। बारिश के मौसम में गांव ढाणी जहां पानी एकत्रित होता है वहां पानी को फिल्टर करके बोरवेल द्वारा जमीन में उतारते हैं। इस गतिविधि से वर्षा का जल हम सीधे जमीन के गर्भ में उतारकर जमीन के अंदर के पानी के स्रोत को जो बंद पड़े हैं या जो सूख चुके हैं उनको दोबारा संचालित कर सकते हैं, और जिससे गांव का जल स्तर बढ़ेगा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। आओ बचाएं वर्षा जल और सजाएं अपना कल। पानी में साई समस्या है, घनी समस्या है, का दो बरजा है पानी नीचर को नेडाणी का माय नमूर खारो पानी है पीबा तई टंकर मंगावा खारो जहर पानी पड़े गोड्डा कवा दर्द हो जोड़ जोड़ का मैं दर्द हो रिया खारा पानी सू पानी वो कीचड़ है जो मां चले जाए इन लगाया बाद के माय पानी कमाए का दो। इस संरचना को बनाने के लिए सबसे पहले बोरिंग करते हैं जो कि भूजल स्तर के आसपास होता है। इस बोर में 2.5 व्यास के नाप का गड्ढा 3 मीटर की गहराई में खोदते हैं। गड्ढे को खोदने के बाद नीचे की सतह में कंक्रीट से ठोस बनाते हैं। इसके बाद बोर से 2.0 और 2.5 मीटर व्यास में दीवार खड़ी करते हैं। इसके बाद बोरिंग पाइप में छेद करके जाली से लपेटते हैं। लपेटने के बाद बोरिंग के पास वाले दीवार में फिल्टर मीडिया जैसे बोल्डर रोड़ी और बालू से भरते हैं। खाली जगह को छावनी से ढकते हैं जिससे पशु या बच्चे गिर न जाए। इस संरचना का क्षेत्रफल 25,000 से 1,00,000 वर्ग फीट होना चाहिए। सामुदायिक वर्षा छत जल पुनर्भरण संरचना के लाभ। इस गतिविधि से गांव में होने वाले कीचड़ से निजात मिलेगा। बारिश का पानी व्यर्थ न जाकर सीधे जमीन में जाएगा और पानी का स्तर जमीन में बढ़ेगा, पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। वर्षा छत जल पुनर्भरण संरचना। एक छत या एक से अधिक छतों के समूह को एक जगह पाइप के माध्यम से जोड़कर पुराने बोरवेल या कुएं में
वर्षा जल को उतारने जितना आसान काम आप कर सकते हैं। इससे भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। जल स्रोतों को पुनः रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन एक बहुत कारगर उपाय है और लगातार लोगों को प्रोत्साहन देकर उन्हें इस कार्य के लिए आगे आने की मुहिम भी छेड़ी हुई है।